बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग के भाग चार से पाठ पैरा संख्या 39। परा प्रकृति मंडल के सहित जड़ात्मक प्रकृति के चारों मंडलों को जोड़ने से संपूर्ण सृष्टि में पांच मंडल कैवल्य, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल हैं। पैरा 40। संख्या 39 में लिखित पांच मंडलों से जो पांच मंडल आए, संख्या 39 में लिखित पांच मंडलों से जैसे विश्व ब्रह्मांड अर्थात बाह्य जगत भरपूर है, वैसे ही इन पांचों मंडलों से पिंड अर्थात शरीर भी भरपूर है। कहने का मतलब है कि संसार के भी पांच मंडल हैं। जो संसार हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं वो स्थूल संसार है, उसके अंदर में सूक्ष्म जगत है और उसके भी अंदर में कारण, फिर महाकारण और कैवल्य मंडल है। ये पूरा ब्रह्मांड है ना, स्थूल ब्रह्मांड, सूक्ष्म ब्रह्मांड, कारण ब्रह्मांड, महाकारण ब्रह्मांड और कैवल्य ब्रह्मांड। तो जिस तरह से पांच ब्रह्मांड हैं एक के अंदर एक, वैसे ही जो हमारा शरीर है उसमें भी ऐसा ही संबंध है। जो बाहर हमारा शरीर दिखता है स्थूल शरीर, इस शरीर के अंदर और भी शरीर हैं। पहले सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है और कैवल्य शरीर है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना अद्भुत की है, संसार और शरीर में बड़ा तालमेल है। हम संसार के जिस तल पर रहते हैं, शरीर के जिस तल पर रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर रहते हैं। जब हम मतलब आत्मा जब ये स्थूल शरीर में रहती है तो स्थूल संसार भी हमको दिखाई देता है, और अगर हम स्थूल शरीर को छोड़कर और सूक्ष्म शरीर में चले जाएं तो जैसे स्थूल शरीर छूट जाता है वैसे स्थूल जगत भी छूट जाएगा पीछे, और सूक्ष्म शरीर में आ जाएंगे तो सूक्ष्म जगत दिखने लगेगा। तो स्थूल शरीर को छोड़ने से स्थूल संसार छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर को छोड़ने से सूक्ष्म संसार छूट जाता है। तो इस तरह से दोनों की रचना जो है आपस में बहुत मिली जुली है। वही कहते हैं संख्या 39 में लिखित पांच मंडलों से जैसे विश्व ब्रह्मांड अर्थात बाह्य जगत भरपूर है, वैसे ही इन पांचों मंडलों से पिंड अर्थात शरीर भी भरपूर है। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में की अपनी स्थितियों को विचारने पर प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि पिंड के जिस मंडल में जब जो रहता है वह इसके जिस मंडल को जब जो छोड़ता है, ब्रह्मांड के भी उसी मंडल में वह तब रहता है और वह ब्रह्मांड के भी उसी मंडल को वह तब छोड़ता है। इसलिए पिंड के सब मंडलों को, पिंड मतलब शरीर, शरीर के सब मंडल जो पांचों मंडल यानी अंतिम वाला कैवल्य मंडल को भी, इसलिए पिंड के सब मंडलों को जो सुरत व चेतन वृत्त पार करेगी तो बाह्य सृष्टि के भी सब मंडलों को वह पार कर जाएगी। यानी कैवल्य शरीर को पार कर लेगी तो कैवल्य ब्रह्मांड के भी पार चली जाएगी। तब क्या बचेगा? कोई शरीर नहीं बचेगा, कोई ब्रह्मांड नहीं बचेगा, क्या बचेगा? सिर्फ हम बचेंगे या परमात्मा बचेंगे या आत्मा बचेगी, एक ही बात है। पैरा 41। किसी भी मंडल का बनना तब तक असंभव है जब तक उसका केंद्र स्थापित न हो। कोई भी मंडल बनना शुरू होता है उसके पहले उसका सेंटर, केंद्र बनाया जाता है और वहां से फिर उसका विस्तार शुरू होता है। पैरा 42। संख्या 39 में सृष्टि के कथित पांच मंडलों के पांच केंद्र अवश्य हैं।
जब 41 में कह रहे हैं कि कोई भी मंडल का बनना तब तक असंभव है जब तक उसका केंद्र स्थापित नहीं हो, तो हर एक मंडल का केंद्र चाहिए, यानी कैवल्य मंडल का केंद्र, महाकारण का केंद्र, कारण का केंद्र, सूक्ष्म का केंद्र और थूल का केंद्र। इसलिए 42 में कहते हैं कि संख्या 39 में सृष्टि के कथित पांच मंडलों के पांच केंद्र अवश्य हैं। पैरा 43, कैवल्य मंडल का केंद्र स्वयं परम प्रभु सर्वेश्वर हैं। कैवल्य मंडल का केंद्र क्या है? केंद्र मतलब जहां से उसका आरंभ होता है बनना। तो कैवल्य मंडल में क्या है? चेतन धार है ना, सार शब्द। तो सार शब्द का केंद्र कहाँ है? कहाँ से उत्थित हुई हो, कहाँ से उसका उद्गम हुआ? परमात्मा से। परमात्मा से ही वो मौज निकली या कंप निकली। इसलिए कैवल्य मंडल का केंद्र क्या है? स्वयं परमात्मा है। जो कैवल्य मंडल केंद्र में पहुंच जाएगा परमात्मा धाम में पहुंच जाएगा। कैवल्य मंडल का केंद्र स्वयं परम प्रभु सर्वेश्वर हैं। महाकारण का केंद्र क्या होगा? महाकारण का केंद्र कैवल्य और महाकारण की संधि है, जहां से कैवल्य खत्म, माने शुद्ध कैवल्य, खत्म तो कहीं नहीं होगा, अंत तक फूल मंडल में भी कैवल्य है, नहीं तो जिस मंडल से निकल जाएगा वह मंडल समाप्त हो जाएगा। लेकिन जहां पर विशुद्ध कैवल्य है और कुछ नहीं है, और जहां से कैवल्य प्लस महाकारण शुरू हो जाता है, यानी उसको कहते हैं महाकारण मंडल। महाकारण मंडल क्या है? जहां महाकारण है, महाकारण के अंदर कैवल्य तो रहेगा ही। तो कह रहे हैं कि कैवल्य और महाकारण की संधि जहां पर है, जहां दोनों मिलते हैं, कैवल्य शुद्ध कैवल्य समाप्त हुआ और महाकारण शुरू हो गया, वो जो संधि स्थल है वो केंद्र है किसका? महाकारण का। महाकारण का केंद्र कैवल्य और महाकारण की संधि है। उसी तरह से कारण का केंद्र महाकारण और कारण की संधि है, जहां महाकारण समाप्त हो गया, समाप्त नहीं हुआ असल में, कारण भी महाकारण ही है, लेकिन महाकारण का वो भाग जिसमें गुणों का जो है संतुलन बिगड़ जाता है, उसमें एक क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, महाकारण का वो वाला भाग कारण कहलाता है। तो जहां महाकारण और कारण की संधि है वो कारण मंडल का केंद्र है। सूक्ष्म का केंद्र कारण और सूक्ष्म की संधि है, जहां कारण समाप्त होकर सूक्ष्म शुरू होने लगा, वो जो उनका मिलन तल है वो किस केंद्र किसका हो गया? सूक्ष्म का। और स्थूल का केंद्र सूक्ष्म और स्थूल की संधि है। पांचों का केंद्र हो गया। एक बार फिर से पढ़ते हैं, पैरा 43, कैवल्य मंडल का केंद्र स्वयं परम प्रभु सर्वेश्वर हैं। महाकारण का केंद्र कैवल्य और महाकारण की संधि है। कारण का केंद्र महाकारण और कारण की संधि है। सूक्ष्म का केंद्र कारण और सूक्ष्म की संधि है। और स्थूल का केंद्र सूक्ष्म और स्थूल की संधि है। पैरा 44, केंद्र से जब सृष्टि के लिए कंप की धार प्रवाहित होती है तभी सृष्टि होती है। पहले भी देख चुके हैं हम लोग, जब परमात्मा से मौज या कंप की धार प्रवाहित होती है तभी सृष्टि का बनना शुरू होता है। केंद्र से जब सृष्टि के लिए, तो यह हर केंद्र के लिए लागू होता है। केंद्र से जब सृष्टि के लिए कंप की धार प्रवाहित होती है तभी सृष्टि होती है, और प्रवाह का सहचर शब्द अवश्य होता है। जैसा कंप वैसा शब्द, परमात्मा से जो कंप निकला हो एकदम सूक्ष्मतम शुद्ध निर्मल, तो उससे जो मंडल बनता है वो भी शुद्ध निर्मल सत, परमात्मा सत है, तो उससे जो बना मंडल वो भी, फिर उससे नीचे वो जो धार है कंप की, वो थोड़ा उसकी सूक्ष्मता कम हो जाती है, निर्मलता कम हो जाती है, फिर उससे जो बनता है तो एक और मंडल बनता है, अपरा प्रकृति का ऊंचा वाला, ऐसे ही क्रमशः नीचे नीचे आती जाती है, तो और नीचे नीचे मंडल बनते चले जाते हैं, और सबका कंप अलग अलग होता जाता है। जो कैवल्य मंडल का कंप है वो सूक्ष्मतम कंप है, पवित्रतम कंप है। महाकारण का उससे कम सूक्ष्म रहेगा, उसमें गुणों का मिश्रण आने लगेगा, सगुण शब्द हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे, हरेक मंडल का अपना केंद्रीय शब्द होगा, लेकिन बिना कंप के हरेक का एक केंद्रीय कंप या शब्द चाहिए, उसके बिना वो मंडल नहीं बन सकता है। केंद्र से जब सृष्टि के लिए कंप की धार प्रवाहित होती है तभी सृष्टि होती है,
और प्रवाह का सहचर शब्द अवश्य होता है, कोई भी कंप जहाँ होगा उससे शब्द होगा। अतएव संख्या 39 में कथित पांचों मंडलों के केंद्रों से उत्थित केंद्रीय शब्द अवश्य हैं। ठीक है, हर एक मंडल का अपना अपना केंद्रीय शब्द, कितने मंडल? पांच, तो केंद्रीय शब्द कितने? पांच, इन्हीं को नौबत भी कहते हैं। तो वह है ना, बजती हैं पांच नौबतें, सुन एक एक को। पांच नौबत मतलब हर एक मंडल का एक एक केंद्रीय शब्द है, एक एक को सुनो। जिसको पहले सुनोगे उसके केंद्र पर पहुंचोगे तो उस मंडल के ऊपर पहुंच जाओगे। बजती हैं पांच नौबतें, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के। स्थूल का केंद्रीय शब्द पकड़ा तो कहाँ केंद्र, केंद्र कहाँ है स्थूल का? तो अभी हमने सुना स्थूल का केंद्र है जहाँ स्थूल और सूक्ष्म की संधि है। तो जो स्थूल के केंद्र केंद्रीय शब्द को पकड़ेगा उसके केंद्र पे पहुंच जाएगा, यानी कहाँ पहुंच जाएगा? जहाँ स्थूल और सूक्ष्म का मिलन होता है, वहां जब सूक्ष्म में प्रवेश हो जाएगा, वहां पर कौन सा शब्द मिलेगा? सूक्ष्म मंडल का, वो अपने केंद्र पर ले जाएगा। सूक्ष्म मंडल का केंद्र कहाँ है? तो जहाँ सूक्ष्म और कारण की संधि है। तो इस तरह से कारण के तल पे पहुंच जाओगे। ऐसे सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए, एक एक के ऊपर चढ़ते जाओ और निज नाह खोजना। जब पांचवा मिल जाएगा, पंचम बजे, कहाँ से बचता है? धुर घर से, एकदम जो टेक है सबकी, सबका केंद्र जो है एकदम जहाँ से सब कुछ हुआ है। पंचम बजे धुर घर से, जहाँ आप विराजें, जहाँ परमात्मा स्वयं विराजते हैं, गुरु की कृपा से मैं ही कहाँ पहुंची खोजना। अतएव संख्या 39 में कथित पांचों मंडलों के केंद्रों से उत्थित केंद्रीय शब्द अवश्य हैं। कथित पांचों मंडलों के केंद्रीय ध्वन्यात्मक सब शब्दों के मुंह व प्रवाह और ऊपर से नीचे को है, और मतलब यहाँ पर दिशा है, डायरेक्शन, कि हर एक मंडल का जो केंद्रीय ध्वन्यात्मक शब्द है वो किधर प्रवाहित होता है? ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। सब जो कैवल्य मंडल का है, कैवल्य से नीचे बहते 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 एकदम पूरा स्थूल तक आ जाता है। महाकारण का, महाकारण से बहते हुए बहते 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 स्थूल तक आ जाता है। कारण का ऐसे सब रहता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा वो शब्द। महाकारण का शब्द जो है, चाहे कि हम कैवल्य में घुस जाएं तो संभव नहीं है, उसकी समाप्ति वहीं हो जाएगी जहाँ दोनों का संधि स्थल है। उसके ऊपर सिर्फ कैवल्य मंडल का शब्द बचेगा। इसलिए यूनिडायरेक्शनल शब्द है सब। धार जो है ऊपर से नीचे की ओर आती है, उस धार के सहारे हम भी नीचे नीचे आते जाते हैं। तो उतरी परियो तम माही पीव निःशब्द में, पीव मतलब मालिक, या वो कहाँ है? निःशब्द में। और धारा को पकड़ते पकड़ते हम लोग नीचे की ओर प्रवाहित होती है ना, तो सबसे नीचे तम में, अंधेरे में आ गए। कथित पांचों मंडलों के केंद्रीय ध्वन्यात्मक सब शब्दों के मुंह व प्रवाह और ऊपर से नीचे को है। इनमें से प्रत्येक सूरत को अपने अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण रखता है। हर एक शब्द में जो गुण है, अभी पहले पिछली बार पढ़े थे हम लोग, जो अपने केंद्र की ओर, कोई भी शब्द जहां से निकला उधर खींचता है, तो जिस शब्द को पकड़ लोगी वो शब्द में गुण है आकर्षित करने का, कहां? अपने केंद्र की ओर ले जाने का। सबके केंद्र पे पहुंचती जाओगी तो ऊपर 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 होती जाओगी, क्योंकि केंद्र कहाँ है? उसका ऊपर है, वो बह रहा है ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन जो उसको पकड़ेगा उसके आकर्षण से खींच के कहाँ चला जाएगा? नीचे से ऊपर की ओर। जैसे सफरी जो है, धारा जिधर बहती है उसके उल्टा बह के चली जाती है मछली, वैसे ही सूरत रूपी मछली, मीन सूरत धार धरी, जो मीन रूप सूरत रूपी मीन जो है, मछली है, वो धार को पकड़ती है और आकर्षित होकर उसके केंद्र पर चली जाती है। इनमें से प्रत्येक सूरत को अपने अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण रखता है। सार शब्द व निर्माइक शब्द परम प्रभु सर्वेश्वर तक आकर्षण करने का गुण रखता है। सार शब्द या निर्माइक शब्द, माया के परे शब्द है, वो कहाँ ले जाएगा? अपने केंद्र तक। उसके केंद्र कहाँ है? परम प्रभु। तो इसलिए सार शब्द व निर्माइक शब्द परम प्रभु सर्वेश्वर तक आकर्षण करने का गुण रखता है। और वर्णित दूसरे दूसरे शब्द जिन्हें मायावी कह सकते हैं, बाकी चार जो हैं या और भी जितने भी शब्द हैं, वो सब मायावी
माइक मंडल के हैं, इसलिए उन्हें माया भी कहते हैं। और सार शब्द को निर्माइक शब्द बोलते हैं, क्योंकि माया से परे ले जाने वाला शब्द है। अपने से ऊंचे दर्जे के शब्दों से ध्यान लगाने वाले को मिलाते हैं। जितने भी शब्द हैं उसको अगर पकड़ोगे तो खींच के ऊपर जाओगे ना, तो भले ही मायावी शब्द है लेकिन उसको पकड़ो तो क्या करेगा, अपने से ऊंचे दर्जे के शब्दों से मिला लेगा। अपने से ऊंचे दर्जे के शब्दों से ध्यान लगाने वाले को मिलाते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द का ध्यान किया जाता है जप में। इनका सहारा लिए बिना सार शब्द का पाना असंभव है, इसलिए स्थूल मंडल में जो शब्द पकड़ोगे सूक्ष्म में ले जाएगा अपने केंद्र में। सूक्ष्म वाला कारण पे, कारण वाला महाकारण पे, महाकारण वाला कैवल्य में, और कैवल्य वाला कहाँ पहुंचा देगा। तो सार शब्द डायरेक्ट नहीं मिलता है, पहले नीचे नीचे के शब्दों को पकड़ना होता है, और हर शब्द अपने से ऊंचे दर्जे वाले शब्द से मिला देता है। तो अंत में किससे मिला देगा, शब्द जो है सबसे ऊंचा वाला शब्द जो सार शब्द है, अनाहत ध्वनि है, उद्गीत है, प्रणव है, सार शब्द है, ओम है, उससे मिला देता है। इनका सहारा, इसलिए माइक शब्दों की भी आवश्यकता है, इनका सहारा लिए बिना सार शब्द का पाना असंभव है। यदि कहा जाए कि सार शब्द मालिक के बुलाने का पैगाम देता है, तो उसके साथ ही यही कहना उचित है कि इसके अतिरिक्त दूसरे सभी केंद्रीय शब्दों में से प्रत्येक शब्द अपने से ऊंचे दर्जे के शब्दों को पकड़ा देता है। जैसे सार शब्द जो है वो किसको पकड़ा देता है, अपने केंद्र में यानी मालिक को, यानी परम प्रभु परमात्मा को। तो इसलिए सार शब्द को ऐसा कहते हैं, वो खींच के कहाँ ले गया, परमात्मा की ओर। तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ही बुला रहे हैं उस शब्द के बहाने के, आ जाओ आ जाओ। जो सार शब्द को पकड़ा वो कहाँ पहुंच गया, परम प्रभु परमात्मा के पास पहुंच गया, केंद्र में। इसलिए उसको परमात्मा की पुकार भी कहते हैं। कि मानो क्या कहते हैं कि उसको मालिक के बुलाने का पैगाम समझो, है आ रही धुर से सदा, सुन लाम का पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा, यार देखना, यार की सदा आवाज है। तो उसके साथ ही अगर उसके नीचे महाकारण वाला शब्द है वो भी बेचारा ले जाता है कहाँ, उसका जो मालिक है उसके ऊपर वाला यानी कैवल्य के शब्द से मिला देगा, कारण वाला अपने ऊपर वाले से मिला देगा, सब अपने अपने ऊपर वाले से मिला के बेचारे अपना काम कर देते हैं। तो यही कहते हैं, उसके साथ ही यही कहना उचित है कि इसके अतिरिक्त दूसरे सभी केंद्रीय शब्दों में से प्रत्येक शब्द अपने से ऊंचे दर्जे के शब्दों को पकड़ा देता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।